अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी की सफलता के बाद से काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और दर्शकों से इसे काफी प्यार मिला। कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह और अजय देवगन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। वहीं अक्षय अपनी फिल्म सूर्यवंशी की सफलता का जश्न मनाने के बजाय अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुट गए हैं। अक्षय की आने वाली फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। अक्षय की अगली फिल्म अतरंगी रे है। आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय के साथ सारा अली खान और धनुष भी अहम किरदार में नजर आएंगे। गुरुवार को अक्षय और सारा को आनंद एल रॉय के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने अक्षय यहां काफी हैंडसम लग रहे थे। वहीं सारा यहां पिंक और येलो सूट पहने नजर आई, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। इसके अलावा अक्षय ओ माय गॉड 2 में नजर आएंगे। फिल्म 2012 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल है। फिल्म धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। फिल्म ओएमजी 2 में पुरानी कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। शहर के धार्मिक स्थानों पर फिल्म की शूटिंग की जाएगी। फिल्म में फैंस को कुछ नया देखने को मिलने वाला है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं अक्षय की फिल्म राम सेतु भी लाइनअप है। नुसरत भरूचा और जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है। इसके अलावा अक्षय कुमार गोरखा और रक्षाबंधन सहित कई फिल्मों का हिस्सा है। रक्षाबंधन में अक्षय के साथ भूमि पेडनेकर नजर आने वाली है। इससे पहले दोनों टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ काम कर चुके हैं। वहीं सारा अली खान अतरंगी रे के अलावा विकी कौशल के साथ आगामी फिल्म द इमोर्टल अश्वथामा की जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। फिलहाल अतरंगी रे में अक्षय और सारा को साथ देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ साउथ सुपरस्टार धनुष का इस फिल्म का हिस्सा होना किसी तोहफे से कम नहीं। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो तीनों कलाकारों को साथ में देखने के लिए उत्साहित है। INS रिपोर्ट।